हमारे खास रिव्यू सेक्शन में आपका स्वागत है। आज 3 मूवीज रिलीज हुई, उसमें से एक है फोबिया। तो फोबिया की बात करते हैं। फोबिया मूवी जो है डायरेक्ट की है पवन कृपलानी ने, जो कि अच्छे खासे डायरेक्टर माने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और इरोस इंटरनेशनल नेक्स्ट जेन फिल्म्स प्रोडक्शन के तहत ये बनी है। ये लगती तो बॉलीवुड की मूवी है, लेकिन अगर बात की जाए इसकी लैंग्वेज की तो ये पंजाबी मूवी है, और इसके प्रोड्यूसर हैं विक्की रजानी, राधिका आप्टे जो कि इसमें फोबिया की शिकार दिखी हैं। राधिका आप्टे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको रिलीज़ होने से पहले कहा था कि मैंने काफ़ी पढ़ा है इस फोबिया के बारे में, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इसमें एक्टिंग की है वो ऐसे नहीं होती जैसे कि एक फोबिया के पेशेंट करते हैं। और अगर बात की जाए म्यूज़िक की तो इसमें ज़्यादा खास म्यूज़िक है नहीं, या कहें कि म्यूज़िक है ही नहीं, सो मूवी कह सकते हैं। और जिस तरह से पवन कृपलानी ने इसको डायरेक्ट किया है, छोटी छोटी बातों को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, वो कहीं कहीं इसमें कामयाब भी हुए हैं। आपको मूवी स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आपके दिमाग में घुसती जाएगी आपको मूवी समझ आने लगेगी, और आप फोबिया से ही फोबिया करने लगेंगे। जी हाँ, फोबिया से ही आप डर जाएंगे। और अगर बात की जाए इस मूवी में स्टार कास्ट की, तो राधिका आप्टे ही एक ऐसा चेहरा है जिसे आपने पहले भी देखा होगा। वैसे एक बात नोट की होगी आपने कि राधिका आप्टे का चेहरा ही कुछ ऐसा लगता है कि वो कुछ सोच विचार में हैं, और उनके लिए इस तरह की मूवी करना काफ़ी सूटेबल होता है, लेकिन फिर भी इतना बेहतर नहीं कर पाई जितना कि वो कर सकती थी। ये 112 मिनट की मूवी थी, लेकिन 112 मिनट की मूवी में से केवल आधा घंटा ही ऐसा निकलेगा जिसमें खासकर इस मूवी को दिखाया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों, मूवी रिव्यू और ट्रेलर रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे ये चैनल।